हेलो दोस्तों, आज है शनिवार और आज है बजट का दिन। तो दोस्तों, जो बजट है वो एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा और मार्केट में एक वीकनेस कंटिन्यू हुई। दोस्तों, ये वाराणसी की मेरी शेयर मार्केट की वर्कशॉप की डिटेल है, आप नोट कर सकते हो। ओके, अभी जस्ट देखेंगे मार्केट को। तो दोस्तों, आज मैं ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर जो बंद है जीरोधा में ब्लॉक है, तो इसलिए मैं ऑप्शन में काम करूँगा ओनली बाय करके। तो देख सकते हो, मेरे वाइफ का अकाउंट में सुबह सुबह मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में बता दिया था कि मैंने जो ट्रेड है वो जल्दी ख़त्म कर दिया था सुबह में ही। तो ये अभी पहला मेरा ट्रेड देखोगे, बाद में मेरे अकाउंट में भी आप ट्रेड देखोगे। तो देख सकते हो, 11,000 और 940 के आसपास निफ्टी या ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, मार्केट पे ही मैं 300 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, 12,200 का कॉल 54 रुपीज़ में चल रहा है अभी MIS में। तो देख सकते हो, अभी थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर प्राइस के लिए, अगर 53 में शायद मिल जाए तो। निफ्टी के मुकाबले दोस्तों, बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे 0.5% बैंक निफ्टी कमज़ोर है और 0.25 निफ्टी कमज़ोर है। तो देख सकते हो, 300 क्वांटिटी दोस्तों मैंने बाय कर ली है। और ये चार्ट में आप देख सकते हो, नीचे के लेवल पे अभी जो कमज़ोरी वो कंटिन्यू है। तो 1 मिनट पे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे के लेवल से थोड़ा एक रिट्रेसमेंट मिला है, गैप अप जो मिला था सुबह ओपनिंग से वो उसे फिल करने की निफ्टी कोशिश कर रहा है। अभी 11,930 पे है। तो दोस्तों, कॉल को जो बाई किया है मैंने, अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर और मैं होल्ड करूँगा, और 11,930 पे अभी है ट्रेड कर रहा है उसी के आसपास। तो देख सकते हो, नीचे के लेवल से गैप अप फिल करने की कोशिश कर रहा है। प्राइस वापस से आ चुकी है 53.84 रुपीज़, मेरा एवरेज प्राइस है, उसी के ऊपर निकलना चाहिए। तो दोस्तों, 54 अभी चल रहा है, देख सकते हो कॉल थोड़ा स्लो चल रहा है अभी, प्राइस डीके की प्रॉब्लम यहाँ शो हो रही है। तो मैं यहाँ से दोस्तों जल्दी से अभी एग्जिट करने की सोच रहा हूँ, और टाइम देख सकते हो अभी 9:30 बज गए। तो 55.90 रुपीज़ मैंने यहाँ सेट किया है 9:31 को, और थोड़ी देर में आ सकता है। और अभी गया, सेल हो चुका है, देख सकते हो 9:27 से 9:32 में मेरा ये जो ट्रेड है वो सुबह कंप्लीट हो चुका था, और ये 600 रुपये का प्रॉफिट दोस्तों मैंने ये बुक कर लिया है। तो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में सुबह में बता दिया था यूट्यूब में कि मेरा एक ट्रेड है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, आप सभी ने देखा होगा। और अभी लाइव टाइम देख सकते हो क्लॉक में। तो अभी दोस्तों, जितना एक दो ट्रेड मिले मैं अभी कर लूँगा, और बाद में मैं जब बजट ख़त्म हो जाए तभी मैं दूसरा ट्रेड है वो ढूंढूंगा, ऊपर के लेवल से मैं सेल करूंगा जैसे कि मैंने आपको बताया था, यानी मैं पुट को बाय करूंगा। तो अभी एक और ट्रेड दोस्तों मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ, देख सकते हो अभी 10:30 बजे है अभी। तो ये अभी कॉल है 12,300 का कॉल 42 रुपीज़ में चल रहा है, क्वांटिटी बहुत छोटी लगाऊंगा 150 दो लॉट। तो 150 क्वांटिटी दोस्तों प्राइस अभी मैं सेट कर रहा हूँ 42:10:38। तो नीचे के लेवल से एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे मुझे लग रही है, अपने लाइव स्ट्रीमिंग मैंने चार्ट में भी बताया था। ठीक है, ऑर्डर बुक में देख सकते हैं, अभी मैं शायद मॉडिफाई करूँगा क्योंकि 42.50 कर देता हूँ, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, और अभी ये उसी के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, ये बाय हो चुका है, 12,300 का एक जो कॉल है, 150 क्वांटिटी दो लॉट को मैंने दोस्तों बाय किया है, क्योंकि लगता है कि 12,000 के नज़दीक आया, एक बार क्रॉस करेगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले जो है वो एक हाइप क्रिएट करेंगे कि बजट अभी जस्ट स्टार्ट होगा, अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, कुछ होता नहीं दोस्तों, हर बार बजट में कुछ नहीं आता और आफ्टर सेकंड हाफ में मार्केट वो जो गिर ही जाता है। तो देख सकते हो, अभी थोड़ा मेरा लॉस चल रहा है 200 रुपये का, थोड़ा मैं यहाँ पे वेट कर लूँगा। ओके, वापस से 11,000 और 980 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ऊपर के लेवल से एक सुपर टेन ने सेल का भी सिग्नल दिया है, यानी थोड़ा चार्ट गिर रहा है, लेकिन एक बाउंस बैक ज़रूर से मिलेगा लगता है मुझे। अभी ये प्राइस जो है वो 42 रुपये आ चुकी है मेरी बाइंग प्राइस के आसपास। तो यहाँ भी दोस्तों 2-3 रुपये मिले यहाँ पे, देख सकते हो अचानक से बढ़ता ही है, 12,000 क्रॉस कर लिया है निफ्टी स्पॉट ने। तो मैं यहाँ से डेफिनेटली एक्सिट हो जाऊँगा, 1200 और 50 रुपये का प्रॉफिट ये मैंने बुक कर लिया है, 1,248 रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है, देख सकते हो अभी 11 बजे है। तो दोस्तों, ये जो ट्रेड आपने देखा ये मेरा वाइफ के अकाउंट में, अभी मेरे अकाउंट में आप देखोगे, अभी
बजट जब टोटली ख़त्म हो जाए और सब जो क्लियर हो जाए, सब जो कितना टैक्स बढ़ा है, घटा है, क्या आया है, ठीक है। तो देख सकते हो मेरी ये ऑर्डर बुक है, 150 क्वांटिटी 42 में बाई किया, 46 में सेल कर दिया, बहुत ही क्विकली वापस से 12,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है अभी, देख सकते हो ये मेरे अकाउंट में। और टाइम देख सकते हो दोस्तों, अभी 2 बज गए, तो बजट का पूरा अभी अनाउंसमेंट है वो थोड़ा चल रहा है। तो मैंने दोस्तों 600 क्वांटिटी यहाँ पे बाई की है पुट की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट नीचे जाएगा, जैसे कि मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बताया था। तो 19 रुपये 90 पैसे में अभी रेट देख सकते हो जो प्राइस चल रहा है वो है 18 रुपये, 2 रुपये का लॉस चल रहा है मेरा अभी। तो यहाँ पे दोस्तों 1500-1600 का यहाँ लॉस चल रहा है, मैं फिर भी यहाँ पे होल्ड करूँगा और मैं दोस्तों ऐड करूँगा क्वांटिटी को बाय करने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्राइस अभी जो क्वांटिटी है मैं सेट कर रहा हूँ, और भी मैं पुट को बाय करूँगा, 900 क्वांटिटी बाय कर ली है, सेम पुट 11,500 का पुट। पहले मैंने दोस्तों लिया था 19 रुपये 90 पैसे में, अभी मैंने लिया 16 रुपये 39 पैसे में। तो बीच की जो दोस्तों एवरेज प्राइस निकल के आई हुई है 17 रुपये 79 पैसे, 1500 क्वांटिटी हो गई है मेरी। और लगता है 11,800 का जो लेवल है निफ्टी अचानक से तोड़ सकता है, एक बार 11,730 के आसपास जाके आया है अपने लोएस्ट लेवल पे। तो बैंक निफ्टी को देख के लगता है कि निफ्टी को सैली करना चाहिए, क्योंकि 1.5% कमजोर है अभी, ये लॉस अब थोड़ा मेरा चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा। अभी ये प्रॉफिट आ चुका है, देख सकते हो पूरा का पूरा लॉस है वो रिकवर है, उसी के आसपास अभी चल रहा है। तो दोस्तों क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये सब तो अभी दिखाई देगा उतना। तो एक और पुट को मैंने बाई किया है, देख सकते हो अभी 900 क्वांटिटी, 11,000 और 600 का पुट मैंने 900 क्वांटिटी बाई किया है, रिकॉर्डिंग में थोड़ा मेरा रह गया था इसीलिए। तो उसको दोस्तों मैंने लिया है 27 रुपये 50 पैसे में, और अभी चल रहा है 35 रुपये, और 11,500 का पुट का जो प्राइस है वो है 17 रुपये के आसपास, तो वो अपने बाइंग प्राइस के आसपास चल रहा है। लेकिन 11,600 का पुट जो मैंने लिया था ऊपर के लेवल से, तो उसमें अच्छी खासी दोस्तों बढ़त है, देख सकते हो 6,000 और 200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है मुझे। तो एवरेज करने के लिए जब 11,840 गया था निफ्टी स्पॉट, तब मैंने दूसरा ये पुट मैंने बाई किया था 900 क्वांटिटी को। तो अभी देख सकते हो अचानक से दोस्तों अगर ये गिरा, अभी गिर रहा है, और देख सकते हो निफ्टी 11,800 का लेवल तोड़ दिया है, मैं यहाँ से दोस्तों एग्जिट हो जाऊँगा मार्केट पे ही। और दोस्तों यहाँ पे 16,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ शो हो रहा है। तो दोस्तों दो जो पुट थे मैंने एग्जिट कर दिया है। दोस्तों एंजल में ऑनलाइन अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर क्लिक करके एंजल में अकाउंट ओपन करा सकते हो। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा। तो अभी चलते हैं वापस ट्रेडिंग पे। तो अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 15,375 रुपये का प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है। अभी पेज को मैं रिफ्रेश करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। और लाइव आके मैं जो लेवल है परफेक्ट वो देने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं मेरे लेवल से। तो देख सकते हो अभी 11,600 का पुट अभी चल रहा है 41 रुपीज़, और 11,500 का पुट चल रहा है दोस्तों 21 रुपये। तो यहाँ पे मैंने 15,375 रुपये जल्दी बुक कर लिया, बहुत टाइम नहीं मिला वीडियो रिकॉर्ड करने में, क्योंकि अचानक से 11,800 का लेवल है निफ्टी ने तोड़ दिया है, और टाइम देख सकते हो 2:30 बजने के ऊपर 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये लाइव चार्ट में देख सकते हैं, मैं आई कैन ऐसा ही करूँगा। तो ये जो गिरावट आप देख सकते हो ऊपर के लेवल से अचानक से एक स्पाइक मिला, जोरदार गिरावट आई है, क्योंकि बजट बहुत अच्छा नहीं आए। LIC की जो न्यूज़ है उसमें से सरकार है वो हिस्सा थोड़ा घटाएंगी, तो वो एक न्यूज़ है वो थोड़ी मार्केट पे प्रेशर डालेंगी, थोड़ी न्यूज़ है वो नेगेटिव है इसलिए। तो LIC वाली दोस्तों जो न्यूज़ है वो नेगेटिव आगे आने वाले दिनों भी रहेगी LIC के लिए, कि गवर्नमेंट है वो अपना हिस्सा है वो थोड़ा उसमें घटाएंगी, IPO लाएंगी। तो देख सकते हो मैंने अलग अलग लेवल पे लिया था, यहाँ पे 19,90 में लिया था, फिर देखा आपने 16,39 में, फिर 27,50 में। तो 11,600 का पुट मैंने निकाल दिया है 40 रुपये 89 में, और 11,500 का पुट मैंने निकाल दिया है 20 रुपये में। तो 18,000 रुपये का दोस्तों प्रॉफिट यहाँ शो हो रहा था, लेकिन मार्केट पे एग्जिट करते करते जैसे 15,000 प्रॉफिट मेरा इसमें बचा है। अभी मैं पेज को रिफ्रेश करके दिखा दूंगा, ताकि किसी को कोई बोलता है कि पेज को रिफ्रेश करके दिखाओ, तो चलो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर लिया, वापस से अभी दिखाऊंगा मैं। अभी इसको पेज को मैं दोस्तों मैं गूगल क्रोम को मैं मिनिमाइज़ करूँगा, और वापस से मैं दिखाऊंगा कि जो मेरे जो ट्रेड है वो
वो आपको यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने इसको मिनिमाइज़ कर लिया है, गूगल क्रोम को आप देख सकते हो यहाँ पे, और साइड में CNBC आवाज़ चल रहा है यूट्यूब में। तो ये बटन है रिफ्रेश का, मैं अभी प्रेस करके लाइव दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको पेज को खींच लेता हूँ ताकि, तो देख सकते हो ये ऑर्डर बुक मेरी और ये पोजीशन, लाइव प्रॉफिट आप देख सकते हो लाइव ट्रेडिंग में, और क्लॉक में टाइम भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये मेरा फंड है, इक्विटी में देख सकते हो यहाँ पे कितना हो गया। मैं अभी उसके ऊपर कर्सर ले जाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा, 1 मिनट। तो दोस्तों 1,20,000 और 300 रुपये हो गए, इसमें सुबह शायद 1,05,000 थे, ठीक है। तो आप ये लाइव ट्रेडिंग देख सकते हो मेरी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।